भाजपा को लात मार कांग्रेस में शामिल हुए बाल कृष्ण भाई पटेल, मोदी और शाह के उड़ गए होश। जी आपको पता चले कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि बीजेपी में उनको दरकिनार कर दिया गया था। बालकृष्ण पटेल रविवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने दावा किया है कि कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के बावजूद उन्होंने पार्टी में दरकिनार कर दिया गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल ने अहमदाबाद मुख्यालय में बालकृष्ण पटेल को कांग्रेस में शामिल करवाया। बालकृष्ण पटेल ने बीजेपी विधायक के रूप में 2012 और 2017 के बीच वडोदरा जिले के दबोई सीट का प्रतिनिधित्व किया था। वह 2012 में कांग्रेस के सिद्धार्थ पटेल को हराकर विधायक बने थे। कांग्रेस में शामिल होने के दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि मैंने कई सालों तक जिला और तालुका स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मुझे 2017 के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था जबकि मैं मौजूदा विधायक था। जहां तक मेरे बेटे की बात है तो उसे भी टिकट से वंचित कर दिया गया था। मैंने बीजेपी छोड़ दी है क्योंकि मुझे लगातार उपेक्षित और दरकिनार किया जा रहा था। साल 2017 में बीजेपी के शैलेश मेहता कांग्रेस के सिद्धार्थ पटेल को हराकर दभोई सीट से चुने गए थे। बालकृष्ण पटेल ने कहा था कि वह इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने या अपने बेटे के लिए टिकट की उम्मीद किए बिना कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि 2017 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर उनका दर्द छलक पड़ा। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहते उनको कड़ी मेहनत करने के बाद भी दरकिनार कर दिया गया था। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।